नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी गर्मागर्म खबर दिल्ली में हो रही बैठक, कांग्रेस आलाकमान की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मौजूद, राहुल गांधी मौजूद और रंधावा मौजूद, राजस्थान के प्रभारी केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसमें अब जाकर शामिल हो गए हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट सबसे आखिर में अभी पहुंचे हैं और 2-3 घंटे से वहां मंथन चल रहा था पहले से। इससे पहले मध्य प्रदेश की बैठक हो चुकी थी, राजस्थान की जीत का फार्मूला तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी कि क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। और राहुल गांधी खास तौर पर ये चाहते थे कर्नाटक में जो एकजुटता प्रदर्शित की जनता के सामने हमने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चुनाव के समय, मतदान के समय, वही एकजुटता राजस्थान में भी प्रस्तुत की जाए। वो नहीं चाहते किसी भी हाल में डिवाइडेड हाउस के रूप में हम जाएं। हमने पेनल्टी कॉर्नर में कई बार रोको मत जाने दो, कोमा कहाँ लगना है यही तय होना है। रोको पर लगना है तो रोका जाएगा, मत जाने दो रोका जाएगा, और रोको मत जाने दो। तो ये आज मेरे ख्याल से फैसला हो जाना है कि ये कोमा कहाँ लगने वाला है, रोको पर लगने वाला है या मत पर लगने वाला है, और इससे आने वाले चुनाव की राजनीति के संकेत मिलेंगे हमको। पायलट कांग्रेस में बने रहते हैं, कोई ना कोई फार्मूला अशोक गहलोत की सहमति से ईजाद किया गया होगा 2.5-3 घंटे की बैठक में, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद ही सचिन पायलट को बुलाया गया होगा, वो फार्मूला सचिन पायलट को मंजूर होगा तो ऐसा फार्मूला हो गया दोनों को मंजूर है, तो बात बन जाएगी, आगे चल पड़ेंगे साथ साथ। हालांकि वो एक बड़ी पुरानी सी कहावत है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो दिल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाथ तो फिलहाल मिलवा दिए जाएंगे आलाकमान के दबाव में, और चुनाव में पता लगेगा कि दिल मिला या कि नहीं मिला। जो उड़ती सी खबरें आ रही है कि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना के और 2 उप मुख्यमंत्री गोविंद डोटासरा और महेंद्र सिंह मालवीय को बनाने की, परसाई लाल मीणा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की, ताकि ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, दक्षिण राजस्थान ऐसे बैलेंस बनाया जाए कुछ। वेस्टर्न राजस्थान से खुद मुख्यमंत्री, दक्षिण राजस्थान से महेंद्र सिंह मालवीय उप मुख्यमंत्री, शेखावटी से डोटासा उप मुख्यमंत्री, और ईस्टर्न राजस्थान से खुद सचिन पायलट भी और परसाई लाल मीणा कार्यकारी अध्यक्ष, ऐसा सुनने में आया। हम अंदर बैठक में कोई मौजूद नहीं है, कोई जर्नलिस्ट या कोई और ऐसे व्यक्ति जो बता सके, लेकिन चर्चाओं में जो बात आती है राजनीति में वो कई बार सत्य निकलती है। तो कोई ना कोई फार्मूला ऐसा बना होगा जिस पर अशोक गहलोत को सहमति ले ली गई होगी। राहुल गांधी अगर अमेरिका जा रहे हैं तो जाने से पहले इस मामले को सुलटा के जाना चाहेंगे, और राहुल गांधी की इच्छा ये है कि किसी भी हाल में डिवाइडेड हाउस में के रूप में हम चुनाव में ना उतरें। इस संबंध में हम देखते हैं अगर अदिति नागर हमसे जुड़ पाती हैं, जो कि इस वक्त मौजूद हैं खड़गे के घर के बाहर, जिन्होंने सबसे पहले खबर दी कि सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। चलिए, अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन सचिन पायलट के वहाँ जाने के बाद हलचल तेज हुई है, और निश्चित तौर पर अभी कंक्लूजन ऐसा जल्दी बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए कल्पना की उड़ान भर के हम कोई बहस करें उसका कोई मतलब नहीं है। जब कंक्लूसिव बात सामने आएगी तब हम उस पर बहस करेंगे, उसके फॉर अगेंस्ट की बातें डिस्कस करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे तो बेहतर होगा। अभी जो उड़ती खबरें मिली वो मैंने आपके सामने रख दी, इसमें से क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, क्या बात है जिस पर दोनों पक्ष एग्रीएबल हैं, ये पता लगेगा। जी आप खड़ी हैं खड़गे के घर के बाहर। जी जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, सचिन पायलट वहाँ आए हैं अभी। मैं आपसे सीधा ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिकल एडिटर हैं और अनुमान लगा सकती हैं वहाँ की परिस्थिति देख के, कि क्या अशोक गहलोत के साथ कोई सहमति बनने के बाद उन्हें बुलाया गया होगा, या अशोक गहलोत को उनको आमने सामने करने के लिए बुलाया गया होगा, क्या लगता है आपको?
देखिए 6:30 बजे का समय था, 6 बजे अशोक गहलोत आए, 6:10 पे राहुल गांधी आए। ये अंदर से बात है कि 6:30 बजे राहुल गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी सचिन पायलट को 6:30 बजे बुलाया गया, राहुल गांधी तो 6:15 आ गए थे। तब उनकी तरफ से मैसेज आया कि मैं बसंत कुंज हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। लेकिन फिर लंबा समय निकला जब वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत जब इतना सब कुछ पिछले दिनों हुआ, जब उन्होंने अनशन किया, जब वो पैदल चले, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं अपना आगे भी ये अभियान चालू रखूंगा, उसके बाद अशोक गहलोत को ये कहा जाए कि आप एक कमरे में बैठकर बातचीत करें, तो ये संभव नहीं था। माना यही जा रहा था कि अशोक गहलोत, ये जो लंबा समय लगा सचिन पायलट जो लेट आए, इसमें उनको रोका गया कि पहले अशोक गहलोत से तमाम बातचीत हो जाए। और अभी भी परस्पर यही मानना होगा कि जब सचिन गए तो वो अलग जगह बैठ के बात कर रहे होंगे। अभी फिलहाल दोनों को एक कमरे में एक साथ बिठाने का जो मौसम है वो लगता नहीं है, लेकिन फिलहाल दोनों अंदर ही हैं। और आपको बता दें कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि 4.5 साल से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब आला कमान ये इनिशिएटिव लेगा कि दोनों को आमने सामने बैठ के बात कराई जाए, क्योंकि ये काम राज्यसभा चुनाव के दौरान भी हो सकता था। कई 11 जून आई जब इस तरह की स्थिति आई कि आज कुछ होगा, तो कई बार आला कमान बैठ के बात कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मानेसर में नहीं हुआ, राज्यसभा चुनाव के दौरान नहीं हुआ, ना ही 25 सितंबर के बाद हुआ। लेकिन अब जब सिर पे पड़ी है, कर्नाटक जीते हैं, मोमेंटम खड़ा हुआ है, और अब चाहते हैं कि राजस्थान जीते, और लग रहा है कि राजस्थान जीते। हर 15 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे अलग अलग स्थिति पे सर्वेस करवा रहे हैं, और अभी हाल ही में अशोक गहलोत को लेकर एक सर्वे हुआ है। 5 दिन का वो सर्वे था, करीबन 96,000 से ज्यादा लोगों को के से बातचीत पूछी गई, उसका भी एक सर्वे आया है। तो ऐसे में अब जब सिर पे पड़ी, उनको लग रहा है कि योजनाएं तो अशोक गहलोत की होंगी, चेहरा भी अशोक गहलोत का होगा, सिटिंग सीएम है, और उसी विकास के मॉडल पर लड़ना है। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस के एक मयान में दो तलवारें जा सकती हैं। कर्नाटक में चली गई, लेकिन राजस्थान में जा सकती हैं, उसके लिए कांग्रेस देरी कर चुकी है। लेकिन आपका सवाल ये था, आपको एक बार फिर मैं बता दूं कि बैठक अलग अलग, पहले अशोक गहलोत पहुंचे, फिर राहुल गांधी पहुंचे, फिर रंधावा तो काफी देर बाद पहुंचे, सचिन पायलट 1.5 घंटे 1.75 घंटे बाद लगभग आए हैं। ऐसे में उनको रोका गया होगा, पहले अशोक गहलोत से खुल के बात की होगी, और जिस अंदाज में तेवर में अशोक गहलोत ने आज सुबह फॉर्मूले के उस कॉन्सेप्ट को नकारा था कि और साफ साफ अगर उनकी पूरी बाइट को समझे एक लाइन में, तो मतलब ये था कि ना आप कांग्रेस से कुछ मांग सकते हैं और ना ही कांग्रेस आपको परोस के देगी। कांग्रेस अपने समय के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, सही समय के हिसाब से आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा के साथ आपको कुछ देगी। अशोक गहलोत की सुबह जो उन्होंने बयान दिया उसका मतलब यही था, और इसके कई मतलब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया कुछ भी चला रही है, चलवाया जा रहा है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में एक रात में 1.25 घंटे में दोनों ही एक टेबल पर बैठ कर वो चीजें भूल जाएं, ये संभव नहीं है। ये हो सकता है कि दो अलग पार्टी, यानी नीतीश कुमार, लालू यादव साथ आ गए किसी एक व्यक्ति को आउट करने के लिए, किसी एक पार्टी को आउट करने के लिए संभव है। लेकिन 4.5 साल तक एक कुर्सी के लिए दो लोग लड़ रहे हैं एक ही पार्टी में, वो फिलहाल इस 1.25 घंटे में संभव नहीं लगता। अब आला कमान के बारे में अशोक गहलोत ने कहा है, अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि आला कमान इतना कमजोर नहीं है, ताकतवर है, अपनी बात मनवा सकता है। तो जब सचिन पायलट से मनवा सकता है, अशोक गहलोत से भी मनवा सकता है। बिल्कुल, जब अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी थी, अशोक गहलोत ने जिंदगी में माफी मांगी, सामूहिक मांगी थी, सचिन पायलट ने नहीं मांगी। तो आज होगा ये कि अशोक गहलोत के 5 सवाल हैं, और ये आपको बता दूं, बिहाइंड द कर्टन्स आरपीएससी का एक मुद्दा आया, और उस मुद्दे को यहाँ के मीडिया प्रभारी ने उठाया कि आरपीएससी का जो मुद्दा सचिन पायलट ने उठाया है वो जमीन पर लॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, गवर्नर राष्ट्रपति के अंदर आते हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सचिन पायलट ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दिया। तो ये भी बात राहुल गांधी तक गई कि कहीं ना कहीं, अब देखिए, आज अशोक गहलोत, ये हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम बैठक के अंदर नहीं बैठे, लेकिन फर्स्ट इंडिया सबसे पहले बताएगा कि क्या कुछ अंदर हुआ।
अभी फिलहाल बैठक खत्म होने का इंतजार करना होगा, लेकिन अशोक गहलोत के पास भी कई सवाल हैं कि क्यों देखिए, और उसमें सबसे बड़ा बात जो वो सामूहिक कह चुके हैं 10 करोड़ रुपए को लेकर, वो सामूहिक कह चुके हैं पैसे खत्म हो गए तो ऐसी स्थिति देगा, अमित शाह के पैसे लौटा दो, तो जब इस तरह की बयानबाजी हो चुकी है, इस तरह के आरोप लग चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले 2 दिनों में राजस्थान के कई नेताओं से मुलाकात भी की तो ये कहा कि जो हो गया सो भूल जाओ, यानी कि आलाकमान तो ये मैसेज देना चाहता है 2024 तक कि संगठित कांग्रेस है, लेकिन लेट कर दिया। हाँ, कि वहां पर कर्नाटक में आप इसलिए कर पाए क्योंकि आप विपक्ष में थे, यही अगर कर्नाटक में 2.5 साल पूरे हो जाएं और सिद्धारमैया साफ इनकार कर दें कि मैं डीके को सीट नहीं खाली करूंगा तो फिर वो यही होगा जो यहां पर हो रहा है। तो अब ऐसे में इतनी करवाहट, इतने मनभेद कि आप एक साथ नहीं बैठ, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत ने जो बातें कही है सचिन पायलट के लिए या उनके समर्थकों के लिए 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ लेने की, उसके कोई सबूत दिए होंगे आलाकमान को, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, जो मेरे सूत्र हैं और अभी से नहीं मानेसर की घटना के बाद ऑडियोज और जो मेरे सूत्र बताते हैं कि 25 सितंबर की घटना के बाद एक चिट्ठी, एक लेटर वो भी गया जिसमें सबूत, और मुझे ये भी लगता है जो मेरे सूत्र बताते हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि हाल ही के दिनों में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, रंधावा ने अपनी खुद की एक्सरसाइज की है जिसमें इस बात के सबूत और गहरे तरीके से पता करने की कोशिश की है, जिसका ये भी माना जा सकता है कि उन विधायकों से भी बातचीत हुई हो। तो खुल के कहना, क्योंकि बहुत सब नाराज हो जाते हैं इन तमाम ये ऐसी बातें आरोप की, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो मानेसर का कांड हुआ से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि ये सबूत अलग अलग स्तर पे अलग अलग जगह गए हैं, ऐसे में अब पायलट को वापस लाना। अदिति, हमने 1 महीने पहले पेनल्टी कॉर्नर में कह दिया था कि कर्नाटक का चुनाव हो जाएगा, कंक्लूसिव नतीजे पहुंचेंगे, उसके बाद ही राजस्थान की तरफ मूव करेगा आलाकमान, वो बात सही निकली। उसके बाद हमने 1 हफ्ते पहले कहा था कि एक आखिरी कोशिश और करेगा आलाकमान दोनों को साथ बैठाने की, हालांकि उस वक्त भी मैं ये जानता था कि दोनों के बीच समझौते के दरवाजे बंद हो चुके, ये भी हमने कहा एक दिन, लेकिन आलाकमान एक बार कोशिश करेगा कर्नाटक मॉड्यूल पेश किया जाए राजस्थान की जनता के सामने भी कि हम सब एक हैं, तो उसकी एक कोशिश करेगा जो आज हो रही है। दोनों बातें हमारी सही निकली, कोशिश सफल होती है नहीं होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह दोनों एक दूसरे के प्रति आरोप लगा चुके हैं, गहलोत जी बोले हैं और इन्होंने किया है, देखिए मुंह से शब्द निकालना अलग बात है और कर्म करना अलग बात है। एक आदमी ने मुंह से आरोप लगाए, दूसरे आदमी ने मानेसर जाके बगावत की, दूसरे आदमी ने पैदल यात्रा की, दूसरे आदमी ने धरना दिया और चेतावनी दी कि मैं अब आंदोलन करूंगा जिसकी तारीख नज़दीक आ रही है। तो आला कमान का आपको लगता है कि इतनी सारी बातें होने के बाद भी सचिन पायलट के प्रति सॉफ्ट रवैया रह सकता है, या कि पार्टी को एकजुट बनाए रखने की गरज से इस वक्त उसको मना के साथ ले लिया जाएगा? कर चुके हैं उनको पॉलिटिक्स और राज करना आता है कि कब तक किस समय कब क्या करना है। लेट हुए हमारी नज़र में, आपकी नज़र में, लेकिन उनसे गांधी से संबंधित लोग कहते हैं कि हमारी एक रणनीति है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के दरवाजे पे से लेकर तमाम लोग गए, करीबी लोग थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दोस्त थे, लेकिन राहुल गांधी के पास तब टाइम नहीं था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, टाइम निकाला, लोगों से मिले, तो उनकी समझ में ही बदलाव आया। आज जब वो विदेश जाने के मोड पर हैं राहुल गांधी, उसके बावजूद भी पिछले 2 घंटे से अंदर बैठे हैं, उसकी 2 सीरियसनेस हैं। राहुल गांधी को सब्जेक्ट की सीरियसनेस पता है और एक उस उम्मीद के बारे में कि हम 2024 में कुछ तो कर सकते हैं, जिसका रास्ता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीत से होकर गुजरता है। बिल्कुल, तो कर्नाटक के बाद इतना मोमेंटम आया है, ये सुनने में आ रहा है अदिति, ये सुनने में आ रहा है, एक मिनट अदिति, ये सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ या चुनाव अभियान समिति के संयोजक बन जाए, ऐसा कुछ तय किया जाएगा, और गोविंद डोटासरा को और महेंद्र जीत सिंह मालवीय को या किन्हीं भी 2 लोगों को पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण से सीनियर लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऐसा कोई फार्मूला आपको लगता है कि निकल सकता है और उसको माना जा सकता है, खासतौर पर अशोक गहलोत मान सकते हैं? क्योंकि
क्योंकि इन दोनों की लड़ाई और इन दोनों की जो जिस तरह का मतभेद सब है उस पे इन दोनों के बीच में एक ही रास्ता है, तीसरा कुछ या तो पावर सेंटर क्रिएट करना या तीसरा कुछ और ऐसा कर देना जिससे दोनों को ये लगे कि बैलेंस कर दिया, खास तौर पे नाराज गुट सचिन पायलट को लगे कि बैलेंस कर दिया। अब उसके लिए अशोक गहलोत ने सुबह कहा कि फॉर्मूला जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फॉर्मूले के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप सचिन पायलट को बुलाकर क्या देंगे, तभी तो वो रुकेगा, अगर रुकते हैं नहीं रुकते जो भी है, या वो आंदोलन करेंगे। इन्होंने सर्वेस तो ये भी कराए कि विदाउट सचिन और विद सचिन हम कितनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्मूले के लिए अशोक गहलोत ने भले ही ना करा हो, राहुल गांधी फॉर्मूले के तहत जाएंगे। फॉर्मूले में ये है कि डोटासरा, क्योंकि माने जाते हैं कि अशोक गहलोत खेमे के हैं तो उनको डिप्टी सीएम बना दें क्योंकि वो जाट हैं, जाट वोट बैंक। फिर सीपी से लेकर तमाम ऐसे नाम आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है डिप्टी सीएम लेट हो चुके हैं। जैसे ही ये कवायद शुरू होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, जिन्होंने सरकार भी बचाई है, जिन्होंने अशोक गहलोत की कई बातें भी मानी है, तो वो ये कहेंगे कि फिर अगर आप एक्सपेंशन कर ही रहे हैं या फेरबदल कर ही रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं। तो ये अशोक गहलोत बताने की कोशिश करेंगे। अदिति, समय की सीमा है अभी, ये चूंकि गोइंग ऑन प्रोसेस है, ये सब चल रहा है, तो जब तक कुछ कंक्लूसिव बात नहीं आएगी डिस्कस करना बेकार है, लेकिन एक पंडारा बॉक्स खुल जाएगा अगर मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल की बात की जाएगी। पता नहीं कौन कौन उठकर उम्मीद लेके आ जाएगा और नए सिरे से नई बहसें, नए तरीके की उम्मीदें जाग जाएगी लोगों की, और चुनाव के 6 महीने पहले क्या ये करना उचित होगा, यही तर्क अशोक गहलोत भी देंगे। जी चलिए, तो मैं बहुत शुक्रिया आपका अदिति, हमारे साथ जुड़ी, इस वक्त आप वहाँ खड़ी हैं खड़गे के घर के बाहर। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आज की इस बैठक से क्या नतीजा निकलेगा उस पर पेनल्टी कॉर्नर में हम कल बात करेंगे, अगर नतीजा तब तक निकल जाए तो। स्पेकुलेशन पर डिस्कशन करना इस वक्त उचित नहीं। बस मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे एक दिन सचिन पायलट के करीबी व्यक्ति ने कहा था, हमारे पास नींबू है, हम 200 लोगों के लिए शिकंजी नहीं बना सकते पर हम 200 लीटर दूध फाड़ सकते हैं। क्या ये थ्रेट राहुल गांधी तक पहुंची है और क्या इस थ्रेट से डरकर या कि इस थ्रेट को समझकर, इसकी गंभीरता को समझकर कोई कदम उठाने जा रहा है कांग्रेस आलाकमान अगले चुनाव के लिए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। पेनल्टी कॉर्नर में आज इस पर इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.